हेलो, गुड मॉर्निंग। और मैं कर रही थी अपनी बेडशीट क्लीन। सुबह सबसे पहले उठ के मेरा यही काम होता है कि मैं अपना बेड क्लीन कर लेती हूँ। अपना मीनिंग वैसे तो ट्राई होती है, बाकी बेडरूम्स में रात को ही क्लीन करके सोती हूँ, बाकी जो और हैं। और लेकिन बच्चे क्या करते हैं, फिर भी बिगाड़ देते हैं। सुबह सुबह जब जाते हैं ना, फिर मुकेश हैं, सुबह कभी इधर बैठ जाते हैं, कभी उधर बैठ जाते हैं, तो सारे ही रूम की चादरें ख़राब मिलती हैं। लेकिन अपने वाले जो रूम की चादर होती है वो ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि उस पर हम लोग रात को सोते हैं। तो बच्चे हैं ना, उछल कूद मचाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, शैतानी करते हैं, रॉक्सी के साथ मिल जाते हैं, तो ज़्यादा गंदी हो जाती है। और अगर आपकी बेडरूम की चादर क्लीन हो जाए ना, तो आपका बेडरूम अरेंज लगने लगता है, ऑर्गेनाइज लगने लगता है, ऐसे लगता है कि काफ़ी सारा काम है, साफ़ सुथरा सा फील देने लगता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि बेडशीट में सुबह ही चेंज कर दूँ। और कई बार होता है कि जल्दी में उठना पड़ता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं, क्योंकि मेरे बाद में उठते हैं, तब फिर ये रहता है कि चलो बाद में कर देंगे। बाद में मीनिंग बच्चों के जाने के फौरन बाद फिर ये वाला मेरा बेडशीट अरेंज करने का काम होता है। मैं तीनों बेड कर देती हूँ, और अगर तीनों गंदे नहीं होते, यही वाला होता है, तो फिर यही वाला कर लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर तो यही होता है कि तीनों हो, क्योंकि मैं इतनी लकी नहीं हूँ मेरे बच्चे इतने आसानी से मेरे कामों को छोड़ दें। तो यहाँ कर रही थी मैं अपनी चादर ठीक, और इसके बाद मैंने बाकी की सारी डस्टिंग की थी। मुझे पता नहीं था आज मुकेश को ऑफिस नहीं जाना है, तो मुकेश आज घर पे ही है। अगर मुझे ऐसा पता होता कि वो घर पे रहेंगे, तो मैंने ना पता है आज घर निकल जाना था, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं। बल्कि इस बात पे आज मेरा इनसे थोड़ा झगड़ा भी हो गया कि मतलब पहले बता देते तो एटलीस्ट मैं घर तो निकल जाती, तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। और बस काम ख़त्म किया था, इतने ही मेरे को पता लगा कि ये नहीं जा रहे हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, और मैं जस्ट अभी तैयारी कर रही हूँ घर जाने की, रेडी हूँ ऑलमोस्ट। मुझे घर जाना है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, पापा का ऑपरेशन है आज, तो मुझे घर जाना है। बहुत टेंशन हो रही है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, वीडियो भी कैसे बनाऊँ। वैसे पापा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी वीडियो कॉल पर उनसे बात भी हो गई है। और मैं इधर ध्यान इसलिए दे रही हूँ कि मैं ना कपड़े निकाल रही हूँ ले जाने के लिए, अकेली जा रही हूँ, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, आएंगे बाद में। आज मुकेश घर पर ही है, तो बच्चों को मैनेज कर लेंगे एक दिन में, कोई दिक्कत नहीं आ रही। और कल मैं लौट आऊँगी शायद, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। बाकी बैग हो गया है मेरा रेडी, कैब मैंने बुक कर दी है, और मैं निकल रही हूँ अब, देर हो रही है। मैं भी जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी फटाफट तैयार हुई हूँ। मैं भी मेरे कान में लगे हुआ ब्लूटूथ, मैं भी ये निकाल देती हूँ। जल्दी जल्दी हुई हूँ, बहुत देर हो रही है, क्योंकि एक्चुअली ये आज घर पे हैं। पहले से मुझे पता नहीं था, अगर पहले से पता होता तो मैं सुबह रात को निकल जाती, तो आज ये घर रहते और कल सुबह तक मैं आ जाती, बट इन्होंने बताया नहीं था। अब आज ये घर पे हैं, आज निकल जाती हूँ, फिर मैं कल रात तक ही आ पाऊँगी, क्योंकि दिन में निकलूँगी तो रात तक पॉसिबल होगा आना। जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, क्या लेना है क्या छोड़ना है, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्या करूँ। और मेरे रॉक्सी ना पीछे पीछे लगी हुई है, इसको समझ में आ गया कि अब मम्मी जा रही है। वो भी मैं निकल गई हूँ घर के लिए, बहुत भाग भाग के सारा काम ख़त्म किया था, और उसके बाद फिर फटाफट तैयार होके निकल गई। गर्मी बहुत तेज़ लग रही है, क्या हुआ भैया? इधर ना जाम मिलेगा, स्कूल टाइम है ना बच्चों का, इस साइड में ही जाम मिलेगा आपको। ये ना चंडीगढ़ की मैं ग्रीनरी आपको दिखा रही थी, कि मतलब चंडीगढ़ का ना सबसे खूबसूरती जो है वो यही है कि हर चीज़ एकदम से ग्रीन ग्रीन है। हर घर के आगे आपको पौधे मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे, लोगों ने बहुत अच्छे से यूज़ किया है जो उनको पार्किंग गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। सब ग्रीनरी बहुत अच्छी है यार, देख के मन खुश हो जाता है,
जब चंडीगढ़ में एंटर होते हैं ना तो लिखा होता है द ब्यूटीफुल सिटी, तो रियली चंडीगढ़ इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। अब तो मुझे यहाँ पे गाड़ी देखनी होगी, पिछले 7 साल से मैं गई ही नहीं हूँ, 7 साल हो गए मैं बस से नहीं गई, आज काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ। ट्रेन से तो गई हूँ बीच में, बट बस से कभी नहीं गई। ये है हमारे पास आई विश की मुझे विंडो सीट मिल जाए। फाइनली विंडो सीट मिल गई है, और मैं सोच रही थी फर्स्ट से सेकंड थर्ड मिल जाए तो वो भी मिल गई है, बस ऑलमोस्ट खाली है। मुझे लग रहा था पता नहीं कितनी देर में मिलेगी, लेकिन हाँ टाइम से ही मिल गई, बस खड़े नहीं होना पड़ा, बस आते ही रेडी थी। बस बोल रहे हैं भैया तो टिकट के अंदर ही मिलेगी, अदरवाइज पहले जब मैं आती थी टिकट बाहर मिलती थी, इस बार बोला के अंदर ही मिलेगी। और दूसरा ये कि बोल रहे हैं कि बस चलने वाली है, लग तो नीरा चलने वाली जिस हिसाब से खानी है, बाकी नाइट सीट शायद टाइम हो गया हो या फिर लोग के टाइम में तो हो सकता है कि बस चल गई। पहले इधर की साइड होती है ना पीछे, उसके बाद मैं चाय भी लूँगी, पहले वॉशरूम का काम खत्म करके आ जाऊँ। अब यहाँ के बाद फिर मिलेगा नहीं कहीं भी, दिल्ली के वॉशरूम्स बहुत गंदे होते हैं, यहाँ पर थोड़ा क्लीन मिल पाएगा। अंदर मिलेगा, बिलिंग मैंने बाहर करा ली है, अंदर से लेना होगा सेल्फ। मैं लाई हूँ चाय और अपने बस में आके बैठ गई हूँ। मैं बस चलने में अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं आराम से चाय पी सकती हूँ, मुझे थकान लगी है बहुत ज़्यादा। ट्रैफिक से इतनी मुश्किल से निकला, बहुत ट्रैफिक था रास्ते में, बहुत लेट हो गया, पूरी बस खाली है, ये पूरी बस बस 5-6 सवारी थी, ज़्यादा सवारी अभी नहीं है। ये ड्राइवर हॉरन इतना दे रहा है कि मेरे सर में दर्द हो गया। अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ ISTT बस स्टॉप पे, और यहाँ घर से गाड़ी लेने आ रही है, तो गाड़ी से जाऊँगी यहाँ से। मैंने एक्चुअली जीजी को बताया था ना कि मैं आ रही हूँ, और किसी को नहीं बताया था, मैंने कहा किसी को बताना मत, मैं आ जाऊँगी। और मैं कितनी बार यहाँ से आई गई हूँ, मेरे लिए कोई इशू नहीं है इतना बड़ा, पर जीजी ने क्या किया, वो पापा को ही बता दिया सीधा। हॉस्पिटल थी पापा के पास, पापा का फ़ोन उसी के पास था, और उसने पापा को बता दिया, पापा परेशान हो रहे हैं, फिर गाड़ी भेजी है। मेरे को आए हुए यहाँ काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी गाड़ी नहीं आई है, उसी का वेट कर रही हूँ कितनी देर तक आती है। वैसे बात हो गई है मेरी भैया से जो आ रहे हैं गाड़ी लेके, पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे। और मैं खड़े खड़े भी थक रही हूँ, क्योंकि सुबह तब से तो बैठी थी, सुबह घर में काम में लगी हुई थी, फिर ये भी है थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँ। अब तक मैं यहाँ से आनंद विहार बस स्टेशन पहुँच गई हुई होती अगर मैं जाती तो। और यहाँ पे करा रहे थे हम अपनी गाड़ी में गैस फिलिंग, एक्चुअली भैया आ गए थे गाड़ी लेके, तो मैं निकल गई थी गाड़ी से, फिर व्लॉग भी शूट नहीं किया क्योंकि थकान भी मेरे को बहुत हो गई, वो काफ़ी देर बाद आए थे, तो बोले बहन जी मैं गाड़ी में गैस फिल करा ले, तो मैंने कहा हाँ भैया करा लो, तो मैं बाहर की तरफ ही खड़ी हो गई थी, अंदर नहीं गई थी। यहाँ से तो निकल जाएगी गाड़ी, वहाँ जाके दिक्कत आएगी। कहाँ? हमारी गली से पहले वाली गली में लाइन से सब दहेज की गाड़ियाँ हैं, वो पड़ रही है मुझे। नहीं, दहेज की गाड़ियाँ हैं और किसी पे पेट्रोल भरवाने की पैसे नहीं है, ले लेके एक बस रख लिया, हट जा। अभी
अभी मैं अपने साड़ू की गाड़ी खड़ी करने गया हूँ, एक बार भाई साहब उसे खड़ी करके दिखा दो। अब उसकी मैंने गाड़ी खड़ी करी, तुरंत हाथ छूट लिए जी मेरे बस की ना, गैरेज में लगा दो तुस्सा होने की भी ना। एक तो तुम्हारी गली छोटी, बोला मुझसे ना होने की। जो भी हमारी जो चची ससुर की लड़की है ना, उसने लव मैरिज करी है। हम तो आगे टी पॉइंट से राइट होंगे, वो लेफ्ट होंगे। अच्छा। राइट में जो सामने वाला मकान है बनिए का। अच्छा। मैं आ गई हूँ घर और पापा हॉस्पिटल से आ चुके हैं। खाना वगैरह मैंने खा लिया है। मम्मी ने बनाई थी कचौड़ी, मम्मी के हाथ की कचौड़ी खाई है। बहुत दिन बाद मिला है मम्मी के हाथ का खाना। और यहाँ पे भी हमारे ठाकुर जी हैं, ये सोने की तैयारी में बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी हैं, ये हैं एक लाला एक लाली और एक छोटे वाले और हैं। और सबसे छोटे वाले का नाम मैंने ही रखा था माधव, इनका नाम माधव है। पापा बहुत वीक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। मम्मी भी कह रही है मेरी तबीयत ख़राब है, सबकी तबीयत ख़राब। मैं कह रही हूँ मेरी भी तबीयत ख़राब है। तो चलिए व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं कल आपको एक अच्छे से व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, अपनों का भी ख्याल रखना। मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।